दोस्तों डॉग कैसे चूज करें अपने खुद के लिए, दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो मेरे आज तक के चैनल का सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर पार्ट में मैं इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा। पूरा देखना वीडियो को, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप तो दोस्तों डॉग्स लेने के लिए सबसे पहले आपको तो आप एक पप्पी लोगे, तो पप्पी लेने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिस करना होगा कि पप्पी आप जब लो, कोई भी ब्रीडर, दुकानदार या फिर कहीं से भी आप पप्पी लो, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो पप्पी 30-45 डेज प्लस ही हो। ये पॉइंट अगर आप अगर नए ओनर हो या फिर नए नए डॉग लेना चाहते हो तो आप ये चीज़ स्किप कर सकते हो। ये पॉइंट को जरूरी याद रखना, 30-45 डेज के ऊपर हो, क्योंकि उतने दिन तक वो अगर मदर मिल्क पे रहे, अपने मदर मिल्क पे 30-45 डेज अपने मदर मिल्क पे रहे तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उसके हेल्थ के लिए आगे जाकर। दोस्तों आप पप्पी जब लो तब अपने घर का सिचुएशन देखो। अपने घर का सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर का आप साइज देखो। आपका अगर अपार्टमेंट टाइप घर है, स्मॉल घर है, लार्ज घर है, मीडियम घर है, तो आप साइज देखो। अपार्टमेंट टाइप घरों में टॉय ब्रीड आराम से रह जाएंगे, पग, पोमरेनियम, कल्चर प्रॉम, उस टाइप के डॉग्स आराम से अपार्टमेंट टाइप घरों में रह जाएंगे, पुडुल, सिज्जू, उस टाइप के डॉग अपार्टमेंट घरों में रह जाएंगे। और अगर आप लैब्राडोर वगैरह लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए मीडियम साइज का घर चाहिए। अगर आप डॉबरमैन, डल्मेशियन वो सब लेने की सोच रहे हो तो आपको लार्ज घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने घर को नोटिस करना होगा कि घर कैसा है मेरा, घर का साइज क्या है, उसी के बाद आप एक डॉग ले सकते हो। अगर आप घर के साइज को ध्यान में ना रखते हुए डॉग लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों अभी थर्ड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसा डॉग चाहते हो। कोई लोग कॉम्पेनियर डॉग चाहते हैं, कोई लोग फ्रेंडली डॉग चाहते हैं, कोई लोग मतलब घर में एक डॉग हो इसलिए चाहते हैं, कोई लोग गार्डिंग के लिए चाहते हैं, कोई लोग गार्डिंग प्लस फैमिली चाहते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप कैसे डॉग चाहते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल के लोग गार्डिंग डॉग्स ही प्रेफर कर रहे हैं। तो मैंने अपने चैनल में टॉप 5 मोस्ट गार्डिंग डॉग इंडिया में पालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंडिया में रहने वाले टॉप 5 मोस्ट गार्डिंग डॉग के वीडियो बनाए रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। और अगर आप कोई और डॉग्स लेना चाहते हो गार्डिंग डॉग्स, फैमिली पास गार्डिंग, जर्मन शेफर्ड ले सकते हो आप, डॉबरमैन ले सकते हो आप, गार्डिंग डॉग लेना चाहते हो एकदम एग्रेसिव वाला प्लस थोड़ा बहुत फ्रेंडली भी हो, रॉटवीलर ले सकते हो आप, अमेरिकन बुली ले सकते हो आप। अगर आप एकदम एग्रेसिव डॉग लेना चाहते हो, डल्मेशियन ले सकते हो, रॉटवीलर, पिटबुल ले सकते हो, वो टाइप डॉग एकदम एग्रेसिव होते हैं। अगर आप फ्रेंडली डॉग लेना चाहते हो तो मोस्ट फेवरेट लैब्राडोर ले सकते हो। लैब्राडोर बहुत फ्रेंडली, बहुत फेमस, बहुत अच्छे होते हैं। लैब्राडोर ले सकते हो, गोल्डन रिट्रीवर ले सकते हो। कॉम्पेनियर डॉग लेना चाहते हो जो घर पे अकेला भी रहेंगे और आपको कंपनी भी देंगे, पग ले सकते हो। अगर आप वॉचिंग डॉग लेना चाहते हो आप पोमरेनियम ले सकते हो। तो इस टाइप से आपको जानना होगा कि आपके घर का कंडीशन क्या है और आप कैसा डॉग चाहते हो अपने खुद के लिए। दोस्तों फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डॉग एक खेलने का चीज़ नहीं है जो कि आप लाओगे, लाने के बाद उसको टाइम टू टाइम खाना खिलाओगे और छोड़ दोगे। बहुत तकलीफ होती है डॉग रखने में। मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट डॉग जो है दे दिया था किसी और को, और तब मैं बहुत रोया था। इनफैक्ट आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं उसकी बात सोचता हूँ। मैं भी डॉग को मतलब पाल नहीं पाया था, तब मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, और रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने भी अपने डॉग को मेरे हाथों में छोड़ दिया। मैंने उसको एक और मेरे फ्रेंड को एडॉप्ट करवा दिया, तो वो भी बहुत रो रहा था क्योंकि वो पाल नहीं पाया। डॉग्स को आप ले जाओगे, केयर करोगे, खाना खिलाओगे, दैट्स नॉट एनफ, दे विल डिस्टर्ब यू इवन एट नाइट, एनी टाइम दे में बार्क। पप्पी होते हैं बचपन में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, कहीं भी टॉयलेट कर देंगे, पहले 2-4 दिन तो पॉटी वगैरह भी कहीं भी कर देंगे, आपको वो सब भी क्लीन करना होगा, आपको टाइम टू टाइम खाना देना होगा, नहीं तो वो बार्क करेंगे। अगर आप उसको छोड़कर कहीं जाओगे तो वो बार्क करेंगे, आसपास के लोग भी आपको कंप्लेन करेंगे। तो डॉग लेना इज़ नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ जोक और लाइक ए मैटर, सिंपल मैटर, यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड एंड यू हैव टू रियली टेक ए लॉट ऑफ केयर ऑफ हिम एंड बहुत नोटिस और बहुत टाइम वो अपने लिए इन्वेस्ट करेगा।
आपको बहुत टाइम देना होगा उसको। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप अगर एक डॉग लेना चाहते हो, पूरे क्राइटेरिया अपने घर, अपने नीड, अपने टाइम देने का सब कुछ सोच के भी ले रहे हो, तो अपने आप अपने फैमिली से एक बार लास्ट टाइम पूछ लो कि आप एक डॉग लेने के लिए ये हो कि नहीं। दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ जो है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं मेरे घर पे, बहुत प्रोडक्ट, उनके कोट के शाइनिंग के लिए 1200 रुपए का तेल आता है सुलेमान ऑयल, 250 रुपए का मेडिसिन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, बहुत खर्चा भी होगा अगर आप एक फॉरेन ब्रीड लोगे। नॉर्मल ब्रीड लोगे अगर आप घर पे रखोगे, अच्छे से परवरिश करोगे, तो नियर अबाउट 2000 रुपीज़ आपके कहीं नहीं गए। मंथली 2000 रुपीज़ आपको खर्च करना होगा डॉग फीड। रॉयल कैनिन बहुत महंगा आता है, उसके बाद अगर आप सस्ता भी खिलाओ तो भी बहुत, नियर अबाउट 1000 रुपीज़ टू 1500 आपका मंथली खर्च हो गए होगा। आप अपने फैमिली से पूछो कि वो सब पसंद करते हैं कि नहीं। अगर आप फैमिली से अगेंस्ट होकर डॉग लोगे तो आपको ज़रूर बहुत पछताना होगा शायद बाद में जाके, जो मुझे पछताना पड़ा था। तो आप अपनी फैमिली को भी देखो कि आप एक डॉग लेने के हालात में हो कि नहीं, आपके फैमिली डॉग्स चाहते हैं कि नहीं, या फिर आप लाओगे आपके अकेले के कंधे पे पड़ा रहेगा डॉग, वो लोग तो खेलेंगे, खेल के चला जाएंगे, आपको ही केयर करना होगा। मेडिसिंस वगैरह बहुत खर्चा भी होता है, वो सब आपको ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू चूज ए डॉग फॉर यू। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर ये वीडियो देख के आप में से कोई अपने डॉग लेने का मन जो है वो तोड़ रहे हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट इट इज़ द ट्रूथ यू हैव टू फेस टू कीप ए डॉग। जब भी आप एक डॉग लो, इन सब चीज़ें का पॉइंट्स का अच्छे से वेरीफाई करो, नोटिस करो, उसके बाद एक डॉग लो। भगवान ना करे कि आपको बाद में जाकर पछताना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।